आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक आदमी, एक मुर्दा है। बताइए ये पेपर लिया हुआ और लिखा क्या है? अभी मरा नहीं हूं। पिक्चर आपने देखी होगी, टाइगर अभी जिंदा है, मैं जिंदा हूं। जिंदा रहने की बात हर कोई करता है, लेकिन कोई ये थोड़ी कहता है कि भाई रुको ना, मैं मरा थोड़ी हूं। जिंदा आदमी कह रहा है। पूरी कहानी देखना चाहते हैं? और आज से नहीं बल्कि करीब 5 साल पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। जो जिंदा है व्यक्ति, 5 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये हम ना तो कह रहे हैं ना ही बता रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं। इसकी कहानी बस इतनी भर नहीं है, इसके आगे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। विस्तार न्यूज है, विस्तार से ही बताते हैं। पहले आप इस मुर्दा इंसान की बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये मुर्दा इंसान की बात सुन लीजिए। जब आपसे ऐसा कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे यार क्या बता रहे हो ज्ञानेंद्र भाई, मुर्दा इंसान की बात सुन लीजिए। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये आदमी घूम घूम के कह रहा है अभी मैं मरा नहीं हूं भाई, मरा नहीं। सुन लीजिए आप, सुनाइए। दोस्त आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दिया जाएगा। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं। दोस्त आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दिया जाएगा। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं। कितनी आसानी से कह रहे हैं भाई साहब मार दिए हैं, उसमें तो मार दिए हैं। अभी आपने जिन्हें सुना उनका नाम कमल सिंह है, वैसे तो ये 40 साल के हैं, लेकिन 2018 में इन्हें मार दिया गया था। मार दिया गया था मतलब सरकारी कागजों में मार दिया गया था, आपने सही सुना, इन्हें मार दिया गया था। वैसे ये जिंदा हैं और अच्छे खासे दुरुस्त हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, भगवान करे, हमारी प्रार्थना है इनको खूब लंबी आयु मिले। कमल सिंह मंडला से करीब 30 किलोमीटर दूर खलवारा गाँव में रहते हैं। इनको समग्र आईडी समेत कई सरकारी कागजों में साल 2018 से मुर्दा बना दिया गया और साल 2019 में उसका सत्यापन भी कर दिया गया। और कमल को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं लगी, ये सरकारी कागजों में मारे जा चुके हैं। इस बात का इन्हें तब पता चला जब ये अपने बच्चे का एडमिशन करवाने स्कूल पहुंचे। स्कूल वालों ने कमल से समग्र और संबल आईडी मांगी तो कमल पहुंच गए ऑनलाइन दुकान आईडी निकलवाने, और तब उन्हें ऑनलाइन दुकान वाले ने बताया कि आप तो मर चुके हैं। दुकानदार की बात सुनकर कमल सिंह और उनके परिवार के होश ही उड़ गए। और होश उड़े भी क्यों ना भाई, कोई जाए अपना ऑनलाइन काम कराने और वो ये कह दे कि आप तो मर चुके हैं, कैसे लगेगा आपको, सोचिए। बस ऐसा ही कमल सिंह को लगा। अब जब कमल सिंह को पता, इस बात का पता चला कि वो मर चुके हैं, तब से वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पिक्चर देखी है आपने, पूरी पूरी पिक्चर बना दी है लोगों ने इस पर। सरकारी अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं, अभी मरा नहीं। सुनिए, पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते, तो हो जाएगा बहुत दिन। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया पंचायत जाते। पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते, तो हो जाएगा बहुत दिन। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया पंचायत जाते। दुखद, बहुत दुखद। तो ऐसे ही कमल पिछले 5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अब कहीं जाकर अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझा है और जांच कराने का भरोसा दिया है। सुनिए एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। क्योंकि कल हमारे ऑफिस में कल ही इस संबंध में आवेदन मिला है, इसकी एक टीम बना के और जाँच करके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। 3 जुलाई को यही आवेदन कल ही प्राप्त हुआ है और जांच विस्तृत जांच करके ही निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या वास्तविकता क्या है। सोचिए हमारे सरकारी सिस्टम का हाल है, जिंदा आदमी मुर्दा है और मुर्दे के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। आप भी ऐसी कई खबरें देखते सुनते होंगे। सोचिए कमल सिंह को अपने ही जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है, वो कह रहा है कि हाँ आपके सामने खड़ा ये शख्स मैं ही हूँ।
इसका सबूत भी खुद मैं ही हूँ, क्योंकि जिंदा हूँ मैं। इतने के बाद भी क्या मिला? भरोसा।